डेटेड 18 अक्टूबर 1995। उस सीबीडीटी सर्कुलर में क्या लिखा था, वहां पे लिखा था कि इफ रेसिडेंट मेक्स पेमेंट टू रेसिडेंट फॉर प्रोफेशनल फीस टीडीएस डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194J, रेसिडेंट मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट देन द टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 इफ इट इज प्रोफेशनल फीस, इफ नॉन रेसिडेंट मेक्स पेमेंट टू रेसिडेंट देन टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194J, बट हियर सीबीडीटी सर्क्यूलर प्लेड अ रोल वेयर नॉन रेसिडेंट पेइंग टू रेसिडेंट टीडीएस डिडक्टेबल ओनली एंड ओनली इफ दे हैव अ पी इन इंडिया, इन केस दे डिड हैव अ पी इन इंडिया तो टीडीएस डिडक्टेबल, इफ नो पी इन इंडिया तो टैक्स नॉट डिडक्टेबल, देन टैक्स नॉट डिडक्टेबल। बराबर है। अभी वोडाफोन के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ, बट दिस सीबीडीटी सर्क्यूलर नंबर 726 ऑफ 18 अक्टूबर 1995, दिस सर्क्यूलर वॉज ओनली फॉर टीडीएस अंडर 194J, वेयर बाय पेयर इज नॉन रेसिडेंट, पे इज रेसिडेंट एंड सेक्शन नंबर इज 194J। बराबर है। अच्छा, अभी वोडाफोन एंड हच के केस में द स्टोरी इज समवॉट लाइक दिस। सबसे पहले तो हच, उसका ओरिजिनल नाम है हचसन वंपोवा, हचसन वंपोवा, हांगकांग बेस्ड कंपनी। नाउ दिस कंपनी व्हेन इट एंटर्ड इनटू इंडियन मार्केट्स नंबर ऑफ इयर्स बैक, सबसे पहले ना ये कंपनी का ओरिजिनल नाम था इंडिया में इस मोबाइल ऑपरेटर इन मुंबई वॉज मैक्स टच, एकदम स्टार्टिंग मैक्स टच। मैक्स टच वॉज टेकन ओवर बाय ऑरेंज, ऑरेंज वॉज टेकन ओवर बाय हच, हच वॉज टेकन ओवर बाय वोडाफोन। तो दिस इज द ओनली कंपनी, दिस इज मुंबई बेस्ड ऑपरेटर, जो चार चार बार चेंज हुए है पूरे कंट्री में, इतना चेंज कोई भी सेक्टर में नहीं हुआ। ओके, हचसन वंपोवा, बट बिफोर दे एंटर इन टू इंडियन मार्केट दे फ्लोटेड अ कंपनी कॉल सीजीपी, दे फ्लोटेड अ कंपनी कॉल सीजीपी, सीजीपी वॉज फ्लोटेड एट अ प्लेस कॉल केमेन आईलैंड। द केमेन आईलैंड इज अ टैक्स हेवन कंट्री, इट्स अ टैक्स हेवन कंट्री वेयर बाई हचसन वंपोवा वुड होल्ड 100% ऑफ सीजीपी केमेन आईलैंड, 100% होल्डिंग। ओके, देन दिस सीजीपी केमेन आईलैंड दे फ्लोटेड अनदर कंपनी इन इंडिया, सब्सिडरी कंपनी कॉल हच इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, हच इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंडिया, दिस इज द थर्ड कंपनी। इन लोगों ने टोटल मिला के ना टोटल 36 कंपनीज वर फ्लोटेड। मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूंगा बिकॉज वी आर नॉट डूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, अपने को इनकम टैक्स में जितना जरूरी है दैट विल अंडरस्टैंड। दे फ्लोटेड 36 कंपनीज टू अवॉइड टैक्स, इतना प्रॉपरली प्लानिंग किया। ओके, देन वेयर बाय सीजीपी, सीजीपी वुड होल्ड 100% ऑफ हच इंडिया एंड देन दे कोलैबोरेटेड विद अनदर इंडियन कंपनी कॉल एसआर ऑयल रुया ग्रुप एंड दे फ्लोटेड अनदर कंपनी जॉइंट वेंचर कॉल हच एसआर इंडिया, वेयर बाय द स्टेक ऑफ हच इंटरनेशनल इंडिया वुड बी 66.98%, लेट्स से 67% इन दिस हच इंडिया। अच्छा, अभी पहले ना बरसों पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रीम इन दिस, ये लाइन में बहुत मलाई था। रेट्स वर 16 रुपीज 80 पैसे पर मिनट, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा देना पड़ता था। ग्रेजुअली इट केम डाउन टू 8 रुपी 40 पैसे, 4 रुपी 25 पैसे, 4 रुपी 3 रुपी 2 रुपी 1 रुपी पर मिनट, फिर रिलायंस एंटर, रिलायंस कम्युनिकेशन, फ्री इनकमिंग, धीरे 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 करके मार्केट खराब कर दिया। लास्ट में आया वोडाफोन, अगे लास्ट में अपना ये वीडियोकॉन, वीडियोकॉन ऑल्सो एंटर्ड, वीडियोकॉन स्टार्टेड ऑफरिंग एट 25 पैसे टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन, न्यू एंट्रेंट था तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, तो इन सच सिचुएशन। अच्छा, सो नाउ हच हैड ऑलरेडी अर्नड अ लॉट, वो बहुत तगड़ा कमाया। हच हैड रीच्ड टू अ सैचुरेशन लेवल, दे वर फेड अप ऑफ इंडियन बिजनेस, दे वांटेड टू क्विट। सामने वोडाफोन द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, वोडाफोन लोकेटेड एट यूके, वोडाफोन वॉन्टेड टू एंटर इन टू इंडियन मार्केट। उन्होंने हच को कॉन्टेक्ट किया, भाई बेचने का है क्या, उसने बोला हाँ तुमको खरीदने का है, एंड दे अग्रीड, दैट्स व्हाई दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। ओके, दीस पीपल स्पीक चाइनीज एंड दीस पीपल स्पीक इंग्लिश, तो ओके एनीवेज इसमें भी तगड़ा कमाया बीच में। इफ यू वर्क एज एन एजेंट, एजेंट्स ओनली अर्न, बाकी सब तो ऐसे इंग्लिश वाला एजेंट। ओके, anyways coming back, so Vodafone, what they did, this is the foreign company, this is also a foreign company. Okay,
Now Hutch did not sell to Vodafone Hutch India. Hutch Hong Kong ने Hutch India नहीं बेचा, Hutch India के shares नहीं बेचे. What they did? Hutch Whampoa was sold to Vodafone UK, this company. Shares of this company. ये company के shares बेच दिए. ये लो ये लेके जाओ पूरा. And the payment was made by Vodafone to Hutch Hong Kong. Payment was of 50,000 crore, an amount equivalent to 50,000 crore Indian rupees. 50,000 crore. नहीं 55,000 करोड़, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 55,000 करोड़, जहां पे इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज ओनली 5,000 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 5,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ वाज अ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अकॉर्डिंगली टैक्स वर्क्स आउट टू बी एट द रेट ऑफ 20%, द टैक्स ऑन कैपिटल गेन वर्क्स आउट टू बी 10,000 करोड़. अभी वोडाफोन व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू हच डिड नॉट डिडक्ट टीडीएस, वोडाफोन ने टीडीएस नहीं काटा. तो असेसिंग ऑफिसर द मोमेंट वोडाफोन सेट अप ऑफिस इन इंडिया, एओ ने वोडाफोन को नोटिस इशू किया कि तुमने टीडीएस क्यों नहीं काटा, अभी इंटरेस्ट के साथ पे करो 12,500 करोड़. वोडाफोन वाज शॉक्ड. वोडाफोन डिड नॉट फाइल नॉर्मल अपील, वोडाफोन इमीडिएटली फाइल अ रिट पिटीशन टू बॉम्बे हाईकोर्ट कि ये देखो ये हमको एओ परेशान कर रहा है, हम इंडिया में आए ही नहीं और परेशान करना चालू कर दे इन लोगों ने, वो काय का टीडीएस काटने का था. सो व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वर प्लेस फॉरवर्ड बाय वोडाफोन, understand there were two strong arguments which you need to understand, aapko samajhna padega. Okay, first argument put forward by Vodafone was this, ek second, if you can understand, buyer is a foreign company, yani ki payer is a foreign company, non resident, payee is also foreign company, yani ki non resident, and shares of another company are acquired, shares of foreign company are acquired, ek foreign company ne dusri foreign company se teesri foreign company cayman island based foreign company शेयर्स करी रहे, ट्रांजेक्शन आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी, नो पार्ट ऑफ इनकम इज टेक्निकली अक्रूइंग इन इंडिया, एवरीथिंग इज आउटसाइड इंडिया, बराबर. अभी वोडाफोन ने टीडीएस नहीं काटा, उसके लिए दो आर्ग्यूमेंट. पहला आर्ग्यूमेंट, वोडाफोन बाय टेकिंग हेल्प ऑफ द सीबीडीटी सर्कुलर, ऑफ सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 726 डेटेड 18th October 1995, सीबीडीटी ने, अच्छा वोडाफोन ने कहा कि सर इफ द पर्सन इज, इनकेस वी आर मेकिंग पेमेंट टू एनीबडी इन इंडिया, तो टैक्स इज डिडक्टेबल ओनली इफ देयर इज अ पी इन इंडिया. तो जब हमने पेमेंट किया ना, तो हमारा इंडिया में पी नहीं था. वोडाफोन आर्ग्यूड कि हमारा इंडिया में प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, हमने तो बाद में ऑफिस सेटअप किया. एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू हच वी डिड नॉट हैव पी इन इंडिया. तो फिर गवर्नमेंट क्लैरिफाइड, एओ ऑल्सो क्लैरिफाइड कि सर दिस सर्क्यूलर डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ टीडीएस अंडर 195. दिस सर्क्यूलर इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल only in case where the payer is non-resident, payee is resident, and the tax is deductible on professional fees under 194J. This circular does not apply to other types of payment, does not apply to other sections also. And in your case, the story is this way. In your case, the story is not non-resident to resident. In your case, it is non-resident paying to another non-resident. Since non-resident is paying to non-resident, payer kaun hai? Dekh, bhad mein gaya. Payee kaun hai? Pay is non-resident, so TDS would be under section 195 section. Or this circular does not apply to 195 section. This circular is specifically applicable where the tax was deductible under section 194J. So government clarified that this circular does not apply to you. Aapka India mein pay hona zaruri nahi tha. Aapka pay nahi bhi tha, to bhi tax was deductible. Because tax was deductible under 195 and not under 194J. तो पी है कि नहीं आप देखो ही मत, आप देखते ही क्यों हो. दैट्स अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. दिस वाज द रिप्लाई ऑफ एओ अलोंग विद सपोर्टेड बाय बॉम्बे हाईकोर्ट डिसीजन. सेकंड आर्ग्यूमेंट व्हिच वाज अ वेरी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट, इन लोगों का दिमाग देखो क्या चलता है. अभी वोडाफोन सेड सर ओके 195 सेक्शन, तो 195 में लिखा है कि इधर द पेमेंट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट, तो हम तो इंटरेस्ट पे नहीं करें, व्हाट वी आर पेइंग टू हच इज नॉट इंटरेस्ट, इफ इट इज अदर सम, if it is other sum, so there is another condition attached to this, if it is other sum other than India, it should be chargeable to tax in India, it should be taxable in India. Taxability is governed by three things, residence, residential status, wo to non resident, wo to chalo gaya, baki bache do cheez, place of receipt, place of receipt, so they said sir it is outside India, outside India, place of accrual. Now, place of accrual is governed by section 9. Place of accrual is governed by section 9. 9 subsection 1.
अच्छा अभी ये इनकम कौन सी है? तो इनकम इन्वॉल्व इन द मैटर इज कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज द इनकम। कितना है कैपिटल गेन? अमाउंट पेड बाय वोडाफोन टू हच इज 55,000 करोड़ इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वॉज 5,000 करोड़, तो बाकी का 50,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसके ऊपर टैक्स बनता है 20, अगे टैक्स बनता है 20% के हिसाब से 10,000 करोड़, ये समझा? तो टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़, सेक्शन नंबर 195 में रेट इज नॉट गिवन। अच्छा अभी ऐसा है कि दिस वॉज प्रॉपरली प्री प्लान ट्रांजेक्शन, ये प्रॉपरली प्लान आउट किया था टू अवॉइड टैक्स इन इंडिया, 10,000 करोड़ का टैक्स इंडिया में ना पे करने के लिए प्रॉपरली प्लान आउट किया था। तो स्टोरी इज दिस वे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में लिखा है कि कैपिटल गेन कहां पे अक्रू होगा, तो वहां पे लिखा है क्लॉज 1 अप्लाइज टू कमीशन इनकम, पीजीपीपी इनकम, सैलरी इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम एंड डिविडेंड इनकम, सारी इनकम के ऊपर, कपल ऑफ इनकम्स। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, ऐसा लिखा है कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी विल अक्रू इन इंडिया, विल बी डीम टू बी अक्रूइंग इन इंडिया, या विल बी अक्रूइंग इन इंडिया, वेन विल इट अक्रू इन इंडिया, कैपिटल गेन इंडिया में, एक मिनट पहले क्या देखने का, प्लेस ऑफ रिसीव, प्लेस ऑफ रिसीव इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ अक्रूवल, प्लेस ऑफ अक्रूवल इज गवर्न बाई सेक्शन 911 विच सेज कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी विल बी अक्रूइंग इन इंडिया। वर्ल्ड ओवर यही रूल होता है कि जहां की कंपनी कैपिटल गेन उसी कंट्री में अक्रू होगा, इधर कंपनी इज इंडियन कंपनी जिसके शेयर्स बेचे गए, शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं तो कैपिटल गेन इंडिया में अक्रू होगा, शेयर्स हांगकांग की कंपनी के हैं तो कैपिटल गेन हांगकांग में अक्रू होगा, एंड शेयर्स अगर केमेन आइलैंड बेस्ड कंपनी के है, क्या बेचा, शेयर्स ऑफ केमेन आइलैंड बेस्ड कंपनी सीजीपी, नॉट द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, The thing which is sold by Hutch to Hutch Whampoa to Vodafone UK is not the shares of Indian company. What is being transferred is the shares of CGP, which is a Cayman Island based company. So, capital gain कहाँ पे accrue होगा? तो capital gain will entirely accrue in Cayman Island. Cayman Island is a tax haven country. Tax haven country. बराबर? तो this was the second argument of Vodafone. पहला argument क्या था Vodafone का? कि हमारा इंडिया में PE नहीं था. Payment करते वक्त तो इसमें. तो दैट आर्ग्यूमेंट वॉज रूल्ड आउट कि नहीं पीई होना जरूरी नहीं है बिकॉज दिस सर्क्यूलर डज नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन 195, इट अप्लाईज ओनली फॉर 194J। तो वोडाफोन प्लेस फॉरवर्ड सेकंड आर्ग्यूमेंट कि सर अगर 195 सेक्शन एप्लीकेबल है तो भी टैक्स नॉट डिडक्टेबल, रीजन कि दिस इनकम व्हाट वी आर पेइंग इज नॉट इंटरेस्ट, इट इज अदर देन इंटरेस्ट, एंड इफ इट इज अदर देन इंटरेस्ट इट शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबिलिटी फेल्स बिकॉज नीदर द प्लेस ऑफ रिसीप्ट इज इन इंडिया नॉर इज द प्लेस ऑफ अक्रूवल इन इंडिया, प्लेस ऑफ अक्रूवल इज केमेन आइलैंड एंड प्लेस ऑफ रिसीप्ट इज ऑल्सो केमेन आइलैंड, इंडिया में अक्रू नहीं हो रहा है। तो भी एओ का आर्ग्यूमेंट क्या था सपोर्टेड बाई बॉम्बे हाईकोर्ट डिसीजन, एओ का आर्ग्यूमेंट था कि नहीं दिस कंपनी सीजीपी बाई ट्रांसफरिंग शेयर ऑफ सीजीपी इनडिरेक्टली देर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इनडिरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन इज अक्रूइंग इन इंडिया, इंडिया में टैक्स लगेगा, इट इज इनडिरेक्टली अक्रूइंग इन इंडिया। तो वोडाफोन से सर दिमाग ठिकाने पे है ना, हाउ कैन यू कवर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, इनडायरेक्टली नहीं ऐसा किधर लिखा ही नहीं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आर नॉट कवर्ड, आपके कंट्री में सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर्स आर कवर्ड, वेरी क्लियरली मेंशन। तो एओ सेड नहीं, फाइनली मैटर वेंट अप टू बॉम्बे हाईकोर्ट। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट व्हाट दे डिड, बॉम्बे हाईकोर्ट इंक्वायर्ड अबाउट द बिजनेस ऑफ सीजीपी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स मंगाया कि भाई तुम हांगकांग की कंपनी, तुमको इंडिया में आने के लिए व्हाई यू हैड टू कम वाया केमेन आइलैंड, तुम केमेन आइलैंड गए काय के लिए, उधर काय के लिए गए? तो अच्छा, सो बॉम्बे हाईकोर्ट कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस कंपनी, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, बॉम्बे हाईकोर्ट कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस कंपनी, ये क्या करती क्या कंपनी बताओ जरा, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ इसके। तो पता चला बॉम्बे हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस कंपनी इज ओनली ऑन पेपर, दिस कंपनी डजंट डू एनीथिंग, इट्स अ बोगस कंपनी, शेल कंपनी, शेल कंपनी कहते हैं यानी कि बोगस कंपनी। तो वोडा हच ने आर्ग्यू किया कि नहीं सर, दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट विंग, दिस कंपनी वर्क्स एज अवर इन्वेस्टमेंट विंग, व्हेनेवर वी हैव एक्सेस फंड्स वी ट्रांसफर टू दिस कंपनी एंड दिस कंपनी विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ये हमारा इन्वेस्टमेंट देखती है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला ठीक है, कौन से कंट्री में यहां से इन्वेस्ट किया दिखाओ जरा। पता चला सीजीपी
थ्रू सीजीपी दे इन्वेस्टेड ओनली इन इंडिया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला सी दिस इज अ बोगस कंपनी, ये कंपनी पेपर पर है, ये नाम की कंपनी है, वी डू नॉट कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी, हमारे हिसाब से ये कंपनी है ही नहीं, इट इज ओनली दिस कंपनी, ये तुम लोगों ने टैक्स की चोरी करने के लिए यू वॉन्टेड टू शिफ्ट द प्लेस ऑफ अक्रूवल फ्रॉम इंडिया टू केमेन आईलैंड, इसलिए तुमने केमेन आईलैंड में कंपनी खोल दी, इट्स अ शेल कंपनी, वी डोंट टेक इट इनटू अकाउंट, एंड इवन इफ यू वॉन्टेड टू फ्लोट वन सब्सिडरी कंपनी टू हैंडल योर इन्वेस्टमेंट्स, यू कुड हैव फ्लोटेड अ सब्सिडरी कंपनी इन हांगकांग इटसेल्फ, और यू कुड हैव फ्लोटेड अनदर सब्सिडरी इन इंडिया, तुमको केमेन आईलैंड जाने की जरूरत क्या आन पड़ी, तुम लोग गए क्यों केमेन आईलैंड, केमेन आईलैंड गए बोगस कंपनी, पे टैक्स इन इंडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट टुक डिसीजन इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, यानी कि अगेंस्ट द वोडाफोन। आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या, अंडरस्टैंड, आई रिपीट फॉर द फर्स्ट सेकंड टाइम एंड लास्ट टाइम अगेन, तो वोडाफोन ने टीडीएस नहीं काटा, उसके लिए दो आर्ग्यूमेंट रहा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे डिड नॉट हैव पी इन इंडिया, दैट आर्ग्यूमेंट वाज रूल्ड आउट कि तुमको ये कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होता, ये सर्कुलर देखो ही मत। सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ वोडाफोन वाज दैट 195 सेक्शन डजंट अप्लाई टू देम बिकॉज कैपिटल गेन इज अक्रूइंग इन केमेन आईलैंड, डज नॉट अक्रू इन इंडिया, प्लेस ऑफ रिसीप्ट इज ऑल्सो केमेन आईलैंड, तो इंडिया में टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, दिस इनकम इज अक्रूइंग एंटायरली इन केमेन आईलैंड, नॉट अ सिंगल रुपीज अक्रूइंग इन इंडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इनडायरेक्टली देर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी इज अ शेल कंपनी। ओके, अभी वोडाफोन वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट टू आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट कि सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 911, बट बॉम्बे हाईकोर्ट इज ट्राइंग टू अननेसेसरली कवर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑल्सो, हालांकि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आर नॉट बींग टॉक्ड अबाउट। वॉट आर्ग्यूमेंट वॉज फॉरवर्ड बाई वोडाफोन to argue on not covering indirect transfers, Vodafone argued this way, yes, sir, supposingly there is this company in USA, if you try to cover indirect transfers, to what will be the resultant factor, kya kamal ho jayega agar aapne indirect transfer ko cover kiya, sir supposingly there is this company called Google USA, Google USA has got, Google USA in terms of Indian rupees is supposingly worth 5 lakh crore Indian rupees, hypothetically. Google USA has got a subsidiary in India, 100% subsidiary in India, called Googly India. Khujli ne, Googly, nothing wrong. Googly India, usme kya hai? You don't find Google itself as a funny name? Google itself is a funny name, but it's a big company, so you don't laugh. So you have a prejudiced mind for Indian company. Ab Indian company, garibo ke upar haste ho? This company is very garib, it's worth 50,000 crore. But tell me, Google holds 100% shares of Googly. So Google ke net worth mein se Googly ka keemat 50,000. So in terms of percentage, what is the value of Googly? 10%. Googly is 10% of Google. Abhi there is one shareholder, Mr. X from USA. He is a resident of USA. US resident. You people have switched off all the ACs, it's very hot. Now this guy has got 1 lakh shares, 1 lakh shares of Google, shares of Google, Google USA, which he sold to Mr. Y, another person in USA. He bought. Now Mr. Y from USA will be making payment, and while making this payment, this guy earned, from this payment he earned capital gain which amounts to approximately in terms of Indian rupee it amounts to 10 crore Indian rupees, 10 crore. So abhi Vodafone ka argument ye tha ki sir agar aap indirect transfer ko cover karne ki koshish karte ho to out of total capital gain earned by this guy 10 crore, Googly India is worth 10% of Google USA, so out of total capital gain of 10 crore 10% should be accruing in India, 10% should be accruing in India. So what do you think? Mr. Y, non-resident, Mr. X, non-resident, transaction taking place outside India, buyer non-resident, seller non-resident, transaction taking place outside India, shares of foreign company, everything is outside India. Just because Google USA has got a subsidiary in India, has got assets in India, which whereby according to your opinion, indirect transfers are covered. So what do you think, this out of 10 crore, 1 crore will be accruing in India, you mean to say, Mr. Y, the payer of this income, will have to come down to India, apply for 10 number, deduct TDS, deposit TDS. Mr. X will have to apply for PAN number and he will have to come down to India, claim credit or refund. So Google USA has got subsidiaries in 10 other countries.
तो क्या सम पोर्शन ऑफ कैपिटल गेन आउट ऑफ टोटल 10 करोड़, सम परसेंटेज ऑफ कैपिटल गेन विल अक्रू इन ऑल द 10 कंट्रीज। तो क्या हर एक कंट्री में टैक्स पे करने जाएगा, हर एक कंट्री में 10 नंबर अप्लाई करेगा? हाउ कैन यू कवर इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स? इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं कवर किए जा सकते, ये पागलपन है। सुप्रीम कोर्ट गॉट कन्विंस्ड। हाँ भाई बराबर है, बात में दम है, दम है। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ जजमेंट इन फेवर ऑफ वोडाफोन कि यस टैक्स नॉट डिडक्टेबल, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आर नॉट कवर्ड इन इंडियन इनकम टैक्स लॉ, ओनली डायरेक्ट ट्रांसफर्स आर कवर्ड, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आर नॉट कवर्ड ओनली, सॉरी। इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट। वो टाइम पे ना मनमोहन सिंह वॉज अ प्राइम मिनिस्टर,